फलक को जिद है बिजलियां गिराने की, तो अपनी भी जिद है वहीं पर आशियाना बनाने की। कुछ इसी तर्ज पर जहानाबाद में 50 दिनों से अपनी मांगों को लेकर 7 गांव के सैकड़ों किसान आंदोलन कर रहे हैं और धरना स्थल पर ही होली मनाने और आंदोलन जारी रखने की जिद पाले हुए हैं। लेकिन इसे सिस्टम का नकारापन नहीं तो और क्या कहेंगे कि कोई भी धरना प्रदर्शन 2-4 दिन चलता है, लेकिन रतनी प्रखंड के अंतर्गत शुरही के मुरहारा तक 1.5 किलोमीटर और मुरहारा से घीजर 1 किलोमीटर सड़क के पक्कीकरण की मांग को लेकर गुरुवार को 50वें दिन भी आसपास के 7 गांव के किसान धरना पर डटे हैं। धरना में गुरुवार को आसपास गांव के कई बच्चे भी अपनी माताओं के साथ शामिल हुए। हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं, पुल के लिए, अस्पताल के लिए, सड़क के लिए। हमको 3 चीज चाहिए। रोड चाहिए ढेदन से यहाँ पुल पर तक, रूपसपुर तक, और फिर चाहिए मुरहारा से सुरही तक, और हॉस्पिटल चाहिए। हॉस्पिटल में डॉक्टरनी चाहिए हमको। एक एक बेटी बहू सब जाती है, न डिलीवरी का कोई साधन है, न कुछ है, कैसे हम लोग रहेंगे, कहाँ खाट पर टांग के ले जाते हैं। नारेबाजी करते लोग, महिला, पुरुष और बच्चे धरना पर बैठे हैं। धरने पर बैठे लोगों ने बताया कि उनकी मांग है कि रतनी प्रखंड के अंतर्गत शुरही के मुरहारा तक 1.5 किलोमीटर और मुरहारा से घेजर 1 किलोमीटर सड़क की पक्कीकरण की जाए, साथ ही 11 करोड़ की लागत से बने पुल के लिए अप्रोच पथ बनाया जाए। लोगों ने कहा कि वे लोग धरना स्थल पर ही होली मनाएंगे और यहीं पर रंग गुलाल खेलने के साथ साथ पकवान बनाने की व्यवस्था कर रहे हैं। क्योंकि जब तक हम लोगों का मांग पूरी नहीं होगा, हम लोग विभिन्न रूपों में आंदोलन को तेज करते रहेंगे। क्योंकि यहाँ के सारे धरनाथियों ने यह कसम खा लिए हैं कि 1000 के लिखित स्टाम्प देने के बाद, लिख के देने के बाद भी यह निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ। अगर सरकार की इच्छा है, ऐसे भी हम लोग अस्पताल और सड़क के लिए यहाँ की बहन बेटियाँ सारे लोग किसी न किसी रूप में सड़क अस्पताल के चलते मौत हो रहे हैं, उससे अच्छा है कि हम लोग सामूहिक आत्मदाह भी करेंगे तो इसी पुल पर करेंगे। चूँकि आज़ादी के 75 साल के बाद नहीं तो पंचायत मुख्यालय सड़क से जुड़ा है, नहीं अस्पतालों में प्रसव कराने की व्यवस्था की गई है। जब महिलाओं के हमारी बहनें माताएं के लिए, बेटियां बहने के लिए अस्पताल में एक महिला के प्रसव करवाने के लिए सरकार व्यवस्था नहीं कर पाई है, तो हम लोग को मूलभूत सुविधा क्या देगी? नहीं सड़क बन पाया है, नहीं अस्पताल में महिला का कोई इलाज का व्यवस्था कर पाई है। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही अन्य तमाम जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहे। धन्यवाद।